कोयटा से भी एक अहम खबर आ रही है। कोयटा में वकील के कत्ल का मुकदमा है। चेयरमैन पीटीआई की मुकदमा अखराज के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल जारी हैं। कत्ल के बाद वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वकील की जानिब से कहा गया, अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम टीवी चैनल्स पर नशर की गई। टीवी नशियात को छोड़ेंगे, बताएं एफआईआर में क्या लिखा है। बेटे ने वालिद के एफआईआर में चेयरमैन पीटीआई को नामजद किया। एटीसी ने शवाहिद का जायजा तक नहीं लिया और वारंट जारी कर दिए। इस वक्त लतीफ खोसा दलाइल दे रहे हैं और इस केस की समाअत जारी है। कोयटा में वकील के कत्ल का केस है जिस पर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बड़ी ईद की खुशियों में बोलने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोलने उठाई आवाज। उधर पिशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 अहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर अलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद अलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।